किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने दीनदयाल शोध संस्थान के साथ आत्मनिर्भर भारत पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की और प्रवासी मजदूरों को कृषि क्षेत्र से जोड़कर स्वावलंबी बनने की बात कही। कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार मजदूरों को रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार देने की व्यवस्था कर रही है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने प्रवासी मजदूरों पर अपनी चिंता व्यक्त की और उन्हें कृषि क्षेत्रों से जोड़कर स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनने को लेकर विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि अब तक 5,59,000 प्रवासी मजदूरों को लाया जा रहा है, जिनके रोजगार की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार रोजगार गारंटी योजना के तहत कर रही है। प्रवासी मजदूरों को कृषि के क्षेत्रों से जोड़कर फल सब्जी अनाज मंडी में रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ाएगी, जिससे अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार मिल सके। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत अब गांव के लोगों को उनकी जगह का मालिकाना हक मिल पाएगा, जिस पर वो बैंकों से लोन ले पाने में सक्षम होंगे और नए छोटे उद्योगों की शुरुआत कर पाएंगे। हम सबके प्रेरणा स्रोत युग पुरुष स्वर्गीय नाना जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नानाजी देशमुख जी के, जिन्होंने मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान का शुभारंभ किया और देश के लिए और दुनिया के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया कि स्वावलंबी गांव कैसे बने, स्वावलंबी देश और समर्थ देश कैसे बने। और उसके लिए 50 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी गांव हैं उनको गोद लेकर गांव में कुटीर उद्योग, गांव में जैविक खेती, गांव में बेरोजगारों को रोजगार, किसानों को खेती करके वो आत्मनिर्भर कैसे बने, आत्मनिर्भर गांव बने, स्वावलंबी गांव बने। और इसलिए उन्होंने मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना भी शुरू की है। वर्तमान में श्री अभय महाजन जी उसके संगठन के महासचिव हैं। आज दीनदयाल शोध संस्थान ने एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसमें उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया, माननीय भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को आमंत्रित किया, उत्तर प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री जी उसमें उपस्थित थे, शिव प्रकाश शाही जी ICR के डायरेक्टर थे, हमारे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उसके डॉक्टर्स और वहाँ के वैज्ञानिक थे, और अतुल जी जैन सहित अनेक विद्वान और हमारे दीनदयाल शोध संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय सिंह साहब थे। और लगभग 2 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संकट के समय मजदूरों का जो पलायन हुआ और वापसी घर वापसी हुई है, अब उनका पलायन वापस ना हो, उनको रोजगार स्थानीय स्तर पर मिल जाए और देश में बेरोजगारी दूर हो, उसके ऊपर गहन विचार विमर्श हुआ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।